चंगेज़ ख़ान और सिकंदर आज़म की कब्रें कहाँ है? तारीख़ इस्लाम में है, जब चंगेज़ ख़ान का इंतकाल होने लगा तो उसने अपने साथियों से ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊँ तो फ़लाँ दरख्त के नीचे मुझे दफना देना। इंतकाल हुआ, दरख्त के नीचे दफना दिया गया। इत्तेफ़ाक़ से दूसरे रोज़ बारिश शुरू हुई और 6 माह तक बारिश होती रही। वो जगह जंगल में तब्दील हो गई और वो दरख्त उस जंगल में मिल गया। लोगों को पता न रहा कि चंगेज़ ख़ान को किस दरख्त के नीचे दफनाया गया था। वो ज़ालिम कौम जिन्होंने बयक वक्त 20-20 लाख इंसानों को कत्ल किया, जो घोड़े के पुश्त से 3-3 रोज़ तक उतरते नहीं थे, प्यास लगती तो घोड़े की पुश्त पर खंजर मारते, कटोरा साथ होता कटोरे को खून से भरते और उसे पी जाते। ये उनका पानी था, आज उनके सरदार की कब्र का ठिकाना नहीं। खुतबात हकीमुल इस्लाम में मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि सिकंदर आज़म की कब्र इराक़ के बाबल के कंडरात में है, लेकिन कब्रिस्तान में कोई सही कब्र नहीं बता सकता। जब कोई सियाह सैर को या तफरी को जाता है तो वहाँ के गाइड कुछ कब्रों की तरफ इशारा करके बताते हैं कि इन्हीं कब्रों में एक कब्र सिकंदर आज़म की है। फ़ायदा, जिस इंसान ने दुनिया फतह की आज उसकी कब्र की निशानदेही मुश्किल है, इसलिए इंसान अपने ईमान और आमाल बनाने की फ़िक्र करे और अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो जाए कि लोग उसके लिए दुआ करें। हवाला बिक्री मोती।